ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको फाल्गुन शुक्ल एकादशी आमल की एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एपीजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुपर थैंक्स भेजने के लिए। भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहां पर सदैव वे ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्ध स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक वहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुम्ब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह वहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी मातम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला आया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना तथा धन धान से युवा होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात हो जाने पर वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए उसकी ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है।
वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते ही वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे ज्ञान ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उदत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 प्राणों का सार से भी सार तर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कलि में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेश में अग्निष्टोम तथा अति रात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो विधि पूर्वक फाल्गुन शुक्ल आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, उन सबके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और अंत में विष्णु लोक में जाकर वास करते हैं। उन्हें इस व्रत से 1000 गोदान का फल मिलता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ दान गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया, उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भलीभांति पालन हो गया। सदानंद, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्त्रोतों से वा गीत वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद प्राण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत नृत्य तथा स्त्रोत पाठ आदि से जो फल होता है, वही कलि में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से
भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करें और एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दस कंठ बद पढ़ते हैं वे योगवेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ सालग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।